उद्देश्य: फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में मौजूद बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करना। वनस्पति सामग्री: मेथी या फली जैसे पौधों की जड़ें। उपकरण: कांच की स्लाइड, कवर स्लिप, वॉच ग्लास, ड्रॉपर, रेजर ब्लेड, सूक्ष्मदर्शी। आवश्यक रसायन: सैफ्रनिन 3% से 5% तक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन, 70% एथिल अल्कोहल। प्रस्तावना: बच्चों, ये प्रयोग फलीदार पौधों की जड़ों में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उनके बारे में है। नाम से ही पता चलता है कि फलीदार पौधों का अर्थ होता है वे पौधे जिनके फल फली जैसे होते हैं, जैसे दालें, मेथी, मूंगफली, फलियां इत्यादि। लेकिन प्रयोग की ओर जाने से पहले हम इन बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। फलीदार पौधों की गांठों में जो बैक्टीरिया मौजूद होता है उसे राइजोबियम कहा जाता है। इन्हें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। आमतौर से राइजोबियम मिट्टी में मुक्त रहने की अवस्था में पाए जाते हैं। जब भी ये बैक्टीरिया मेथी, मूंगफली, फली जैसे किसी पौधों के जड़ों के साथ संपर्क में आते हैं, तब जड़ों के अंदर इन बैक्टीरियाओं की वृद्धि होती है और ये गांठ का आकार ले लेते हैं। पौधे के जड़ पर इस गांठ का भले क्या फ़ायदा हो सकता है? राइजोबियम बैक्टीरिया में वायुमंडल के नाइट्रोजन वायु को नाइट्रेट्स और नाइट्राइड जैसे यौगिकों में बदलने की क्षमता होती है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रक्रिया कहा जाता है। पौधों को विकास के लिए बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, पर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ये वायु वायुमंडल से सीधे तरीके से सोखी नहीं जा सकती है। इसी कारण राइजोबियम बैक्टीरिया उन्हें नाइट्रोजन देने का काम करते हैं। अगर इन बैक्टीरिया द्वारा अधिक मात्रा में नाइट्रेट और नाइट्राइट की निर्मिति होती है, तब बचा हुआ भाग जो पौधों के उपयोग का नहीं होता है वो जमीन में छोड़ा जाता है। और क्या विद्यार्थी मित्रों, आपको पता है मिट्टी की उर्वरक शक्ति उसमें कितनी मात्रा में नाइट्रोजन है इस बात पर निर्भर करती है। अतः इससे मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। पर याद रखने वाली बात यह है कि राइजोबियम बैक्टीरिया तभी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं जब वे फलीदार पौधों की जड़ों में मौजूद रहें। चलिए हम देखते हैं कि राइजोबियम की स्लाइड किस प्रकार तैयार की जाती है। प्रक्रिया: मेथी, मूंगफली, फली जैसे किसी भी पौधे की जड़ ले लें। इन जड़ों में गांठें होना आवश्यक है। जड़ों को पानी से साफ कर लें। 3% से 5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विलयन द्वारा इन्हें कीटाणु मुक्त कर लें। याद रखें, जड़ों को कीटाणु मुक्त करना आवश्यक होता है क्योंकि जड़ों की सतह पर मिट्टी से आने वाले अन्य प्रकार के बैक्टीरिया भी होते हैं। अब इन जड़ों को अधिक कीटाणु मुक्त करने के लिए उन्हें 70% एथिल अल्कोहल के विलयन में 4 से 5 मिनट तक डुबोकर रखें और फिर से इन्हें कीटाणु रहित पानी से धो लें। रेजर ब्लेड की मदद से जड़ों की गांठों की पतली परतें काट लें। इन्हें सेक्शन या खंड कहा जाता है। अब इन सेक्शन को वॉच ग्लास में पानी में रखें। ये सेक्शन सूखे ना पड़े, इसी बात के लिए हमें विशेष ध्यान रखना होगा। अब इनमें से एक अच्छा सा सेक्शन चुनें और उसे तनु सैफ्रनिन में 2 से 3 मिनट तक रखें। अब इस सेक्शन को कांच की स्लाइड पर रखें और उस पर कवर स्लिप भी रखें। सूक्ष्मदर्शी के कम वृद्धि में पहले इसका निरीक्षण करें और बाद में उच्च वृद्धि में इसका निरीक्षण करें। निरीक्षण: जड़ों की गांठों में जो बैक्टीरिया दिखाई देते हैं उसे ही राइजोबियम कहा जाता है। स्लाइड में यह गुलाबी रंग में दिख रहा है क्योंकि इसे सैफ्रनिन में भिगोया गया था। ये बैक्टीरिया मुसल आकार के हैं, अर्थात बैसिली हैं। ये बैक्टीरिया मिट्टी चल सकते हैं, इसी कारण ये फलीदार पौधों की जड़ों में मिट्टी में से जा पाते हैं। निष्कर्ष: राइजोबियम बैक्टीरिया मिट्टी में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया फलीदार पौधों के जड़ों में घुसते हैं। जड़ों के अंदर उनकी संख्या बढ़ती रहती है और इसी से जड़ों में गांठें बनती है। राइजोबियम तभी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं जब वे जड़ों में होते हैं। राइजोबियम और फलीदार पौधों के इस संबंध को सहजीवन या सिम्बायोसिस कहा जाता है, जहाँ पर यह दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं।
बैक्टीरिया द्वारा पौधों को जो नाइट्रोजन की आपूर्ति की जाती है, जिसके कारण ही पौधों के प्रथिनों के मात्रा में वृद्धि होती है। यह प्रयोग करने के बाद क्या आपको लगता है कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया किसानों की किसी भी तरीके से मदद करते होंगे? हाँ, ये बैक्टीरिया किसानों के भी बड़े काम आते हैं। खेतों में फलीदार पौधे या दालें उगते समय उनमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, उनके कारण पौधों में जो प्रथिनों की मात्रा होती है उसमें वृद्धि होती है। इसके साथ फसल भी अच्छी होती है और मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है। फलियों के अलावा अन्य पौधों के खेती में भी राइजोबियम की मदद मिल सकती है क्या? जब फसल फलीदार पौधों की होती है तब राइजोबियम का ही चुनाव योग्य होता है। अन्य फसलों के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले अन्य बैक्टीरिया जैसे अजोटोबैक्टर और अजोस्पिरिलियम उपयोग में आते हैं।